अमन काला तो नहीं आ रहा ना? नहीं It is just today. Yeah, it's today. So we are lucky here. Yeah, we are lucky. Germany, Pakistan. Universal Studios, Singapore. भाई कौन कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है? ये देखो दो भाई हैं, ये दिल्ली से, मैं कराची से, और यहाँ पर जो है ना, मुझे पहला पाकिस्तानी मेरे 3 दिन के टूर में, ये फर्स्ट पाकिस्तानी मुझे मिला है. सबसे बड़ी ढाका बोनानी. Really? No. फेसबुक की पापा की परी, पापा की एंजल, मामा की लाडली, और इस टाइप की जो लड़कियां हैं, वो लड़की मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ. गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स मी जिमी बाजी, और मैं हूँ इस वक्त सिंगापुर में. तो आज का मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेट्रो, ऑट्रिम करके मेट्रो है, और वहाँ से मैं चेंज करूँगा हार्बर फ्रंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर वेट कर रहा है अमन. अमन 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 यार, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस बेचारे का नाम हमेशा भूल जाता हूँ, और मैं उसे समीर बुलाने लग जाता हूँ, तो इसलिए मैं उसका नाम याद कर रहा हूँ. और मैं अभी MRT के अंदर घुस रहा हूँ. ये जो मुझे समीर ने लेके दिया था, समीर ने ही लेके दिया था भाई, अमन ने नहीं, समीर ने लेके दिया था, तो ये अभी एक्सपायर हो गया, 7 ट्रिप थे वो मैंने यूज़ कर लिए, तो अभी इसका रिफंड भी मिलता है, 10 सेंट्स वगैरह होता है, तो अब मैं इसको मतलब नया ले लूँगा मैं, अभी दूसरा वाला 10 सेंट्स तो मिलेंगे, वो समीर के थे, लेकिन अब क्या करें, फ्री में हो गया सारा कुछ भाई. थैंक यू समीर यार, ये आइडिया तो ज़बरदस्त है समीर. अमन नहीं, हाँ समीर, अभी करेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन अमन के टाइम अमन बोलना है मुझे. तो मैंने सोचा था 10 सेंट्स मिलते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे $1.60 दिए हैं, और इन्होंने बोला है कि इस टिकट को आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, और 8 ट्रिप करके थोड़े पैसे डाल के आप आगे जा सकते हैं. तो भैया वाह भाई, सिंगापुर मज़े आ गए अपने. तो हमें ये मुंबई के भाई मिले, और मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि ऑट्रिम पार्क से ट्रेन को चेंज करके फिर हार्बर फ्रंट जाना है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये तो ट्रेन भाई लास्ट स्टॉप जो है हार्बर फ्रंट है. थैंक यू सो मच ब्रो. और ये है मुंबई से, मुंबई से मेरी जान, आमची मुंबई, आमची मुंबई वाले भाई, देखिए मुंबई का हमारा भाई, हाँ कैसा भाई, कैसा माया भाई, क्या ऐसा मिर्ची मिर्ची जब आप लोग हार्बर फ्रंट से सेंटोसा की तरफ जाते हैं, तो हार्बर फ्रंट से बाहर निकलते ही वीवो सिटी करके मॉल है, और यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स वगैरह सारे खाने की चीज़ें को मिलेंगी, और शॉपिंग भी आपको मिलेगी. वो मॉल जो है काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर काफ़ी सारे मुल्कों के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, और सब लोग शॉपिंग को एंजॉय कर रहे हैं और खाने खा रहे हैं. उस तरफ से सेंटोसा जा रहे हैं, तो हम लोग भी सेंटोसा जा रहे हैं, और वहाँ का ट्रेन कुछ अलग है, तो भाई अलग ट्रेन कैसा है वो भी देखते हैं, चलें. फाइनली हमें समीर मिल गया, और सॉरी देखो ये मेरी मिस्टेक है जो बार बार हो रही है. तो अमन मुझे मिल गया यहाँ पर, मैं बोर्ड बाग पे आया था, तो ये तो यहीं खड़ा हुआ है, तो चलो आसानी हो गई मेरे लिए. तो कुछ खाया है? हाँ खाया. मैंने तो नहीं खाया, तो अंदर से खाते ना, अंदर है कुछ? हाँ अंदर. चलो फिर अंदर चलते हैं, क्योंकि भाई आज जो है ना सुबह ब्रेकफास्ट का भी दिल नहीं किया, पता नहीं क्यों, पता नहीं किसकी याद आ रही है, मुझे भी नहीं पता.
अम्मी की याद आ रही हो। ये जो है सेंटोसा बोर्डवे है और यहाँ से आप फ्री सेंटोसा जा सकते हैं। अगर आप जो ऊपर ट्रेन चल रही है उसमें जाएंगे तो $4 आपके लगेंगे, तो वो आप लोगों के अपने हिसाब से। अगर आप लोग ट्रेन पे जाना चाहें, ट्रेन का मज़ा लेना है, तो भाई $4 दे के जाओ। अगर वॉक करने के शौकीन है हमारी तरह तो भाई फिर वॉक करके जाओ। सेंटोसा की तरफ आप लोगों को लेके जाएगा। जो लोग बस में आते हैं या जो लोग MRT या ट्रेन में आते हैं तो वो लोग इस जगह को अवेल करें, क्योंकि बाइक फ्री है और पैसा बचाओ। आप लोग झूलते हुए चलें, अब अगर वॉक करनी है तो वॉक करें, नहीं तो खड़े रहें। खड़े रहेंगे टाइम कम लगेगा, टांगों को सुकून होगा, लेकिन आप सेंटोसा पहुँच जाएंगे। Guys, what's your name? My name is Riyad. I'm Jimmy. I'm from Pakistan. Oh, really? Yeah. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के लिए। A person from Bangladesh and he is a bodybuilder. Oh no! I was the first time meeting them. Pakistani. Really? Really? Yes, correct. MashaAllah. अपना देश वाले कोई? Really? How are you there? ढाका। हमार देशे बड़ी ढाका बोनानी। Really? No. আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখছেন তারা এই ভিডিওটি লাইক করবেন এন্ড অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করবেন। ঠিক আছে, আমার ভিডিও লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, সেন্টোসা আসবেন। ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। থ্যাংক ইউ। তোমার এজ কি? 21 का लोंडा और सिंगापुर में है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। और अभी तक मैंने पाकिस्तानी 3-4 दिन से कोई पाकिस्तानी कराची लाहौर इस्लामाबाद का कोई लड़का नहीं मिला, तो अब मेरी विश है भाई कि मैं, चलो मेरा ये एम हो गया अभी कि मैं 2-3 तो भाई एटलीस्ट पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कहीं से भी 2-3 लड़के तो मैं वहाँ से यहाँ लेके आऊँ। तो हेल्प करोगे? हाँ, ये हेल्प करेगा। तो अभी क्यों ना, देखो भाई दिल्ली से दिलवाला है। ये मुझसे पूछ रहा है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो बंगाली में बात करते हैं। मेरे को पता नहीं था ना, कलकत्ता का पता था खाली कि वहाँ बंगाली बोलते हैं। मेरी भी है 5-6। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, ये 47 से पहले जो है ना कलकत्ता और बांग्लादेश ये सब मिला हुआ था, ये एक ही था। तो वहाँ के लोग जो हैं एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, बंगाली। भाई कौन कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है? ये देखो दो भाई हैं, ये दिल्ली से, मैं कराची से, और हम लोग यहाँ पर पीस के लिए हैं, अमन के लिए हैं और खुशियों के लिए हैं। और हम लोग की कोशिश यही है कि हम लोग चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी मज़हब से हैं और किसी भी कंट्री से हैं, हम लोग आप में प्यार बांटें, भाईचारा हो हमारे बीच, ये देखिए इक्वलिटी हो और प्यार हो। और कोई भी जो है देश या कोई भी इंसान जो है ख़राब नहीं होता, ख़राब इंसानों की सोच होती है। और हम लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा बुरा है या ये बंदा इस जगह से बिलोंग करता है तो ये शायद अच्छा ना हो। लेकिन जब आप लोगों से मिलते हैं, यहाँ हॉस्टल में मुझे 2-3 बंदे मिले, एक आयरिश था और एक ऑस्ट्रेलियन था, तो वो हैरान हो गए कि यार तुम पाकिस्तान के हो और तुम लग ही नहीं रहा कि तुम। मैंने बोला भाई हम ऐसे ही हैं, लेकिन जो है मीडिया वगैरह ये लोग जो है प्रोपोगंडा करते हैं और कुछ और ही दिखाते हैं। तो हम लोग भी भाई ये चड्डी वड्डी डाल के और डांस वांस भी करते हैं, सब करते हैं, तो हम लोग भी भाई इंजॉय कर सकते हैं। भाई कराची का लौंडा हूँ, कम तो नहीं होऊंगा। भाई अमन बोल रहा है कि जब से वहाँ से निकले हैं हमें सिर्फ आंटियाँ ही दिख रही हैं, लड़की तो एक दिखाई नहीं दी आज। तो देखो अमन है और फिर जिम्मी है, तो भाई फिर आज अमन के लिए एक लड़की तो पटा के ही जाएंगे। दिलवाले दिल्ली लेके जाएंगे। लेके जानी है? नहीं ना 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 ना, हमको नहीं चाहिए। ना ना, हम दिल्ली से यार, क्या हम अपने पास कमी है कोई? अपनी शादी वादी में ही बुलाना, थोड़ा डांस वांस कर लेंगे। कभी डांस वांस? शादी का तो अभी कोई प्लान ही नहीं। अच्छा, तो मेरा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, क्योंकि जब तक अपने मतलब की बंदी नहीं मिलती तो भाई फिर हम दूर ही अच्छे हैं।
है कि नहीं है? है, वो सही बात है, क्योंकि जो शादी है कोई मजाक नहीं है, पूरी जिंदगी आप किसी के साथ गुजारते हो। खूबसूरत इंसान को देखते फौरन बोलते यार इससे मैं शादी कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। खूबसूरती अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती। जो इंसान है अपनी सीरत से और अपने किरदार से पहचाना जाता है। तो शादी करें भाई, मज़े करें, इंजॉय करें, हमारे लिए भी दुआ करें। दो कुंवारे लोंडे घूम रहे सरेआम सेंटोसा में। अमन काला तो नहीं आ रहा ना? नहीं। ब्रेक करें, ब्रेक करें, ब्रेक करें। तो भाई आप लोग जब ब्रॉड वॉक से सेंटोसा की तरफ आते हैं तो जो वीवो ट्रेन है वो आपको यहाँ तक लेके आती है। यहाँ सेंटोसा लिखा हुआ है बड़ा सा। हमें 5 मिनट ही लगे यहाँ पहुँचने में, तो भाई $4 क्यों दें? बताओ ना भाई क्यों दूँ, फ्री के हैं। जो लोग भाई गुफाओं के शौकीन हैं, केव देखने के शौकीन हैं, तो यहाँ पर अंदर केव भी है। आप लोग यहाँ पर भी अंदर जाके फोटोग्राफी, सेल्फी शेल्फी सब लोग ले सकते हैं। तो अंदर थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, फिर हमें आगे जाना है। आप लोगों को वो जो फेसबुक की पापा की परी, पापा की एंजल, मामा की लाडली और इस टाइप की जो लड़कियां हैं, वो लड़की मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ। पापा की परी जानू की सोना, मेरा पाला जानू, गुड नाइट जानू, खाना खाया, मैं सेल्फी ले रही हूँ, जानू लपी जानू, गुड बाय गुड नाइट जानू, सुबह के कुछ खा लेना। ये थिएटर जो है वर्चुअल इफेक्ट का है, तो भाई जिनको ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है वो इस जगह पे ज़रूर आएँ। अच्छी तरह से बनाया है, मुझे तो ऐसा लग रहा था ये कोई गेमिंग जोन टाइप कोई चीज़ है। थोड़ा अंदर भी चलते हैं। जो है ना, मुझे पहला पाकिस्तानी, मेरे 3 दिन के टूर में ये फर्स्ट पाकिस्तानी मुझे मिला है। यहाँ पे जॉब करते हैं या पढ़ते हैं भाई? ये पहला स्टूडेंट है यार, शेर तुमको सलाम है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये देखो भाई, पहला पाकिस्तानी स्टूडेंट हमें मिला है यहाँ पर। तो मतलब क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे एज अ स्टूडेंट नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मुझे 3-4 दिन में नहीं मिला कोई। टेम्पलीज के मतलब डिफरेंट लोकेशन पे मैं लिटिल इंडिया वगैरह या इन प्लेसेस पे मैं घूम रहा हूँ 2-3 हफ्ते, तो मुझे आज पहली बार कोई पाकिस्तानी लड़का मिला है। और ये देखा हैंडसम भी है भाई, ओहो, ये 19 ईयर के हैं माशाल्लाह, और ये स्टूडेंट भी हैं और जॉब भी कर रहे हैं, यहाँ पर ही जॉब कर रहे हैं। बाकी आप लोग सेंटोसा में आएँ तो ये हमारे भाई आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं जो इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ये भी हेल्प करेंगे हमारे दिल्ली से भाई अमन और समीर भी हेल्प करेंगे। अभी सही नाम ले रहा हूँ भाई। दिल खुश हो गया, अपने मुल्क का बंदा यहाँ पर जॉब कर रहा है, उसको काम करते हुए देखा तो दिल खुश हो गया। और मेरी कोशिश यही है कि और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ, यहाँ पर पढ़ाई करें और अर्निंग भी करें, जॉब भी करें। और यहाँ पर अभी ये चल रहा है यार। Hello. Hello. Where are you from? Germany. Germany. You are Germans. Yeah. So actually I'm from Pakistan. Are you solo travelers? Yeah. So as a girl,
traveling solo all the way Singapore from Germany. So how you are feeling? Oh, it's really safe here. Yeah, it's really safe. It's like so clean everywhere. Really? Yeah. It's really clean. Yeah. Not crowded at all. The people are nice. Yeah, the food it's a is nice good. Atmosphere. It's a crowded place here, but today it's quiet. Yeah, no, it could be. It's just today. Yeah, it's today. So we are lucky here. Yeah, really lucky. Yeah. Your name? You. Magda and Danny. Magda. Yeah. And Danny. And I'm Jimmy, and he's Aman. Nice to meet you guys. Okay. भाई यहाँ सेंटोसा जाते हुए रास्ते में मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है बहुत शदीद. तो यहाँ पर है इंडियन रेस्टोरेंट. यहाँ पर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली सारे एशियन फूड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे. और जब आप सेंटोसा की तरफ जा रहे हैं तो वॉक करते हुए अगर आएँगे $4 में जाते हैं तो ये $4 का यहाँ खाना खाइए. खाना मुझे नहीं पता अंदर कितने का हो, वो मैं आपको बताता हूँ. तो यहाँ पर जो है काउंटर बने हुए हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर. जैपनीज़ का काउंटर अलग है, चाइनीज़ का काउंटर अलग है, और दूसरे कंट्रीज़ का, वेस्टर्न का काउंटर अलग है. अमन और मैं जाएंगे इंडियन काउंटर में और वहाँ से हम लोग कुछ ऑर्डर करेंगे. तो यहाँ पर जो है हमारे भाई हैं इंडिया से, पंजाब से. वो पाजी की यार भाई ठीक हो? बढ़िया, सारा कुछ बढ़िया है. तो ये आपको मिलेंगे इंडियन जो काउंटर नंबर 5 है वहाँ पे मिलेंगे. तो भाई बिरयानी कितने की लगाई? बिरयानी सर वेज बिरयानी है. चिकन वाली? भाई हम चिकन खाते हैं. चिकन बिरयानी $12. अच्छा, जो वेज खाते हैं $1 में वेज बिरयानी मिलेगी, और जो लोग चिकन खाना चाहते हैं या बटर चिकन तो उनका $12 जो है. भाई अमन ने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक टाइम जो दोपहर का है, वैसे तो आप दो टाइम भी खा सकते हैं लेकिन ज़्यादा लोग जो है एक टाइम जो है मस्जिद या गुरुद्वारे में खाते हैं, क्योंकि मस्जिद और गुरुद्वारे में आपको फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है. वहाँ पे आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग वहाँ पर खा सकते हैं. दो टाइम खाना है तो दो टाइम, तीन टाइम भी मिलता है. तीन टाइम आपको मिल जाएगा मस्जिद में भी और गुरुद्वारे में भी, तो वो आप खा सकते हैं. लेकिन अगर आप लेजी हैं, अगर आप कभी उठ नहीं पाए तो $1.80 में लेवेंडर में आप लोग अगर आके रुकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ करीबी जो रेस्टोरेंट है वहाँ $1.80 में आपको दो पराठे और चिकन करी मिल जाता है, जो कि बहुत सस्ता है. सिंगापुर की जो सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहाँ दुनिया भर से लोग देखने आ रहे हैं वहाँ हम पहुँचे हैं. तो भाई चेक करें ज़रा, यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर. और आप लोग देख रहे हैं तस्वीरों के शौकीन लोग पागल हुए पड़े हैं, जान पे खेल रहे हैं लेकिन तस्वीरें बना रहे हैं. भाई यहाँ पर जो है पापा की प्रिंसेस, किंग की परियाँ चाइना से जो पहुँची हुई हैं वो लोग अपनी पिक्स खिंचवा रही हैं, मज़े कर रही हैं. सोचा था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आओगे कभी? हाँ नहीं, देखो इन्होंने सोचा ही नहीं था. इंशाल्लाह मिल गए वो. बोलो. इंशाल्लाह मिल गए वो हम साथ, और आगे भी मिलते रहेंगे. दुबई में जाऊँगा तो उसने वादा किया है कि ये दिल्ली का लड़का कराची आएगा हमारी शादी में और डांस वांस भी करना है. वो शर्म आके मैं यार, ये शर्मीला है भाई. तो भाई अमन ने मुझे चैलेंज दिया है कि पब्लिक में डांस करके दिखाओ और वो भी विदाउट म्यूजिक. तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं भाई को सिखा रहा हूँ कि भाई डांस थोड़ा ऐसे होता है, तो चलो ट्राई करते हैं विदाउट म्यूजिक. इतने सारे लोगों के सामने नचवा रहा है मुझे वो भी. भाई इतना सही है यार. यार अमन इतना तो तुम कर ही सकते हो मेरी शादी पे, यार ऐसा नहीं करो, इतना सा कर लेना बस चलेगा. सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होता है और वीकेंड पे शायद 8 बजे से भी और भी आगे टाइम हो. और अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं स्पेशली बच्चों की, लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर. तो बच्चे, लड़कियां, फैमिलीज़ के लिए हैं, सबके लिए हैं. जो लोग भी
शौक रखते हैं इस चीज़ का, वो लोग आएँ और बहुत सारी चीज़ें अंदर हैं, तो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ को आकर इंजॉय करें. यहाँ पर जो है बहुत सारी चॉकलेट्स की दुकानें हैं और खिलौनों की शॉप्स हैं, तो बच्चे बहुत रो रहे हैं, तो इंडियन और पाकिस्तानी जो अम्माएँ हैं वो उनको बोल रही हैं यहाँ से चलो नहीं तो हम पुलिस को बुलाते हैं. कभी आपके साथ ऐसा करते थे जब आप ऐसी जगहों पे आते हैं और किसी चीज़ की ज़िद करते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अमन तुम करते थे? हाँ बहुत, बचपन में हर कोई करता, लेकिन मैं नहीं करता था. मैं करता था बड़ी चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं. लेकिन मेरे छोटे जो भाई थे वो तो तीन तीन दिन खाना ही नहीं खाते थे. इसके अगर बच्चे देख रहे हैं 10, 12, 14, 18, 16 साल के, तो भाई अपने पेरेंट्स को तंग मत करें और उनका ख्याल रखें कि भाई वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी रिहाइश दे रखी है. ज़ाहिर है आपके पास मोबाइल्स, लैपटॉप्स वगैरह हैं जो आप लोग ये देख रहे हैं, तो इतना सब कुछ उन लोगों ने दिया है, तो यार इतना तंग मत किया करें. चलो वो अपनी खुशी से दे रहे हैं, आप पूछ सकते हैं कि भाई ये हमें दिला दे, अगर दिला दे तो ठीक है, लेकिन इस तरह मत करें. देखें रोडों पे अभी मैंने उनका शूट नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो कोई अच्छी फैमिली लग रही थी, तो मैंने इसलिए शूट नहीं किया. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go, 'cause I am happy. Like, share and subscribe. And we are celebrating peace in the world. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't... ये तो पकड़ ले.